यहाँ पे मैंने एक दुपट्टा लिया है जिससे हम टॉप सिलेंगे। तो इस दुपट्टे को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम कट कर लेंगे सीधा। आपके पास भी कोई ऐसा दुपट्टा हो तो आप भी इस तरीके से टॉप सिल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हमने ये बाकी का कपड़ा है उसको भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे मैंने फरमा लिया है इससे हम कट करेंगे। तो मैं पहले नीचे से कट कर लूँगी जो ज़्यादा कपड़ा है उसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा जो कपड़ा था उसको कट कर लिया है। अब हम साइड से भी ज़्यादा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम बाजू कट करेंगे। तो मैं इस तरीके से बाजू कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बाजू कट कर लिया है। अब मैं गला भी कट कर लूँगी। ये इतना सा ही गला कट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने गला कट कर लिया है। ये देखिए अब सिलेंगे तो हम पीछे का गला पहले सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने गले को सिल लिया है और बाजू को भी साइड से सिल लिया है। अब ये पट्टी लगाएंगे हम इसके ऊपर। इस तरीके से हम यहाँ से सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पट्टी को इस तरीके से सिल लिया है। ये देखिए अब हम ये डोरी ले मैंने डोरी तैयार की है उसको हम लगाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया है जो कि इस बड़े कपड़े के अंदर डाल के इस तरीके से मैं बटन बना लूँगी इस तरीके से। अब हम सील लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बटन बना दिया है और ये इस तरीके से हम आसानी से खोल सकते हैं इसको। और अब हम साइड से सील लेंगे कोटी को। तो ये मैंने साइड से सील लिया है कोटी को, आप देख सकते हैं। और अब ये जो मैं हमने पहले कट किया था शुरू में, अभी हम इसके नीचे इसको सील देंगे। तो ये देखिए मैंने इस पट्टी को यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे मैंने सील दिया है। तो यहाँ से भी मैंने सील लिया है। और देखिए ये हमारा टॉप तैयार हो चुका है और हमारा टॉप बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए